शराब नीति घोटाले में कल होगी सीएम केजरीवाल से पूछताछ। केजरीवाल ने कहा जांच में करूंगा सहयोग। दिल्ली के सीएम ने कहा मैं भ्रष्टाचारी तो कोई ईमानदार नहीं, ईडी सीबीआई कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी ने केजरीवाल को बताया शराब घोटाले का किंग पिन। बीजेपी ने फिर सिसोदिया पर उठाए सवाल, कहा सिसोदिया ने क्यों नष्ट किए फोन। केजरीवाल को सीबीआई के समन के बाद दिल्ली में आपके विधायकों की बैठक, गोपाल राय ले रहे विधायकों की बैठक। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बयान, कहा मैंने लिखा था जैसे अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक उदय होगा उन्हें सीबीआई बुलाएगी। केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा अब सरगना से पूछताछ की बारी। दिल्ली में सीएम केजरीवाल से मिले पंजाब के सीएम मान, सीबीआई समन को लेकर कहा सच की आवाज को नहीं दबा सकते। सीएम केजरीवाल ने कहा सिर्फ आम आदमी पार्टी ने दी बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की उम्मीद। सीएम केजरीवाल को सीबीआई के समन पर केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान, बोली दिल्ली की कोई नीति उनकी मर्जी के बिना नहीं बन सकती। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सीएम बसवराज बोम्मई ने दाखिल किया नामांकन, शिवगांव विधानसभा क्षेत्र से दाखिल किया नॉमिनेशन। कर्नाटक में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे सीएम योगी, 36 रैलियां और रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री। कर्नाटक में अपने चुनावी चिन्ह पर लड़ सकती है एनसीपी, पार्टी को इलेक्शन कमीशन से मिली राहत। मुंबई में कर्नाटक चुनाव को लेकर एनसीपी की अहम बैठक, कर्नाटक में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी एनसीपी इस पर होगा फैसला। यूपी बीजेपी अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह का दिल्ली दौरा, आज राजस्थान दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, भरतपुर में बूथ अध्यक्ष संकल्प सम्मेलन को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश में दलितों को लेकर समाजवादी पार्टी की सियासत जारी, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी पर किया हमला। कांग्रेस ने पुलवामा हमले को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा पीएम के इशारे पर चुप रहे सत्यपाल मलिक। दिल्ली के द्वारिका में बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की सनसनीखेज हत्या। दिल्ली में सुरेंद्र मटियाला की हत्या के बाद बाइक पर भागते दिखे आरोपी, आरोपियों का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। दिल्ली बीजेपी नेता मर्डर मामले में गैंगस्टर कपिल सांगवान ने ली हत्या की जिम्मेदारी। बेटे असद के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया माफिया अतीक, पूछताछ में मिन्नतें करता रहा। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया गया अतीक का बेटा असद, करीबी रिश्तेदारों के बीच किया गया सुपुर्द-ए-खाक। असद को सुपुर्द-ए-खाक करने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई, पुलिस की कई टीमों ने मिलकर की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी। आज सुबह पूछताछ के वक्त फिर बिगड़ी माफिया अतीक की तबीयत, कहा अल्लाह सब कुछ देख रहा है। अतीक की पत्नी शाइस्ता ने असद को गल्फ कंट्री भगाने की दी थी सलाह, पासपोर्ट ना होने की वजह से नहीं भाग सका असद। अतीक के परिवार ने असद को बचाने की भरपूर कोशिश की, नेपाल भागने की फिराक में था असद। अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश में कौशाम्बी पुलिस का सर्च ऑपरेशन, कौशाम्बी बॉर्डर पर कड़ी चेकिंग। अतीक और अशरफ से आज सुबह हुई पूछताछ, दोनों की निशानदेही पर 11 जगह छापेमारी। अतीक अशरफ के पाकिस्तान और आईएसआई से लिंक के खुलासे के बाद यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज करने की तैयारी। उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार बरामद, कौशाम्बी के सराबा गांव से किए गए जब्त। यूपीएटीएस की टीम फिर पहुंची धूमनगंज थाना, माफिया अतीक और अशरफ से फिर करेगी पूछताछ। माफिया अतीक का गुर्गा असाद कालिया गिरफ्तार, असाद का भाई फैसान भी गिरफ्तार। माफिया मुख्तार और उसके भाई सांसद अफजाल की बड़ी मुश्किलें, कृष्णानंद राय मर्डर केस में 29 अप्रैल को आएगा फैसला। अचानक छुट्टी पर गए गाजीपुर एमपी अमेरिकन कोर्ट के जज दुर्गेश कुमार पांडे, अंसारी भाइयों की सजा पर अब 29 अप्रैल को फैसला। स्वर्गीय कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने सीएम योगी का जताया आभार, कहा बाबा के राज में माफिया जेल में या जमीन से ऊपर उठ चुके हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर सऊदी एयरलाइंस के एक कार्गो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट की रिपोर्ट के मुताबिक हवा में ही क्रैक हुई विंडशील्ड। क्लाइमेट चेंज पर वर्ल्ड बैंक के कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा क्लाइमेट चेंज से सिर्फ कॉन्फ्रेंस टेबल से नहीं लड़ा जा सकता, इसे हर घर में डिनर टेबल पर लड़ना होगा। कांस्टेबल सीएपीएफ एग्जाम को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी कराया जाएगा एग्जाम। पश्चिम बंगाल में आज बंगाली नववर्ष का जश्न, कोलकाता में आज राजभवन के दरवाजे आम जनता के लिए खोले गए। अमृतपाल सिंह के मामले में होशियारपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, एक वकील समेत 3 गिरफ्तार। अमृतपाल सिंह को शरण देने के आरोप में 2 गिरफ्तार, लगातार अमृतपाल के साथियों और मददगारों पर कार्रवाई कर रही पुलिस। भगोड़े अमृतपाल की लोकेशन से जुड़ी जानकारी आई सामने, राजस्थान पुलिस को भी जानकारी साझा की गई।
पालघर हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अंबेडकर जयंती पर रथ धकेल रहे लोगों को लगा शॉक। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, खाई में गिरी बस, 13 यात्रियों की मौत। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने रायगढ़ हादसे पर जताया शोक, गृहमंत्री शाह ने सीएम शिंदे से ली जानकारी। बिहार के मोतिहारी में 8 लोगों की संदिग्ध मौत, जहरीली शराब की वजह से मौत की आशंका। अमृतसर में घुसपैठ कर रहे ड्रोन पर फायरिंग, 3 पैकेट हेरोइन बरामद, इलाके में बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। गाजीपुर में देर रात पुलिस गश्त के दौरान मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में 2 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के श्रावस्ती में दर्दनाक सड़क हादसा, अनियंत्रित इनोवा कार पेड़ से टकराई, हादसे में 6 लोगों की मौत, 8 घायल। जौनपुर में कॉस्मेटिक की दुकान में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिहार के सीवान में बदमाशों ने पुलिस टीम पर किया हमला, कई पुलिसकर्मी घायल, ड्राइवर की हालत गंभीर। एमपी में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंता, बीते 24 घंटे में कोरोना के 42 मरीज, 1 की मौत। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 209 मामले, 13.78% हुआ औसत पॉजिटिविटी रेट। राजस्थान के धौलपुर में टाइगर के कुनबे में हुई बढ़ोतरी, बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया। अलीगढ़ ताले को मिले जीआई टैग से कारोबारी उत्साहित, विदेशों में भी व्यापार और बाजार का खुलेगा रास्ता। दिल्ली के 5 सेंसेस पार्क में लगी बोगनविया फूलों की 3 दिवसीय प्रदर्शनी, 3 दर्जन से ज्यादा प्रजातियां और 300 किस्में शामिल की गई। निजामाबाद में सरकारी अस्पताल से बदहाली की तस्वीर आई सामने, स्ट्रेचर नहीं मिलने पर मरीज को घसीट कर ले जाते दिखे परिजन। पटना के मसौली में प्रसव पीड़ा से परेशान यात्री के लिए रुकी ट्रेन, महिला ने अस्पताल में दिया बच्चे को जन्म। मुंबई में पेट्रोल पंप पर बदमाशों की दबंग गई, लाइन में लगकर पेट्रोल भरवाने के लिए कहने पर कर्मचारियों से की गई मारपीट। मथुरा में टेम्पो पर बिजली की तार, करंट लगने से टेम्पो में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में चाकूबाजी, लॉरेंस बिश्नोई के साथी प्रिंस तेवतिया की चाकू घोंपकर हत्या। अमेठी में खेत की रखवाली कर रहे किसान पर जानलेवा हमला, घायल किसान का अस्पताल में चल रहा इलाज। यूपी के अरदोई में फंदे से झूलते मिले पति पत्नी, मौत की वजह का नहीं चल सका पता। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा की सभा में ब्लास्ट, बाल बाल बच्चे फुमियो किशिदा।